मैं बलिया लोकसभा सीट का सीपीआई से उम्मीदवार हूँ और ये चुनाव मैं इस देश के 20 करोड़ बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों के लिए लड़ रहा हूँ। चूँकि सत्ता में बैठे हुए भाजपा के बड़े नेता इन नौजवानों को पकौड़े की दुकान खोलने की सलाह देते हैं, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। अगर बीटेक, एमटेक, बीए, एमए और बीकॉम और मैनेजमेंट की डिग्रियां लेने के बाद अगर हमारे नौजवानों को पकौड़े की दुकान ही अगर खोलनी पड़े तो ये कितना शर्म की बात है। इतना शिक्षित होने के बाद हमारे देश के बड़े नेता नौजवानों को पकौड़े की दुकान चलाने को कहते हैं। एक तरफ जहां मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, एक तरफ जहां डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पकौड़े की दुकान की भी बात करते हैं। इन्हीं बातों को, युवाओं की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं इस बार बलिया लोकसभा सीट 72 से मैदान में हूं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे अधिक से अधिक मतों से जिताने का प्रयास करें। धन्यवाद।